गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम आपको अपनी व्याकरण नयन पुस्तक से अनुच्छेद लेखन के बारे में बताएंगे। तो आइए पहले हम यह जान लें कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। किसी विषय पर थोड़े शब्दों में अपने विचार लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे हम लघु निबंध भी कह सकते हैं। अनुच्छेद लेखन प्रारंभ करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े हों। विषय का आरंभ सीधे विषय से होना चाहिए, इधर उधर की बातों से नहीं। यानी कि हमें जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना है उसी पर ध्यान देना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट व शुद्ध होनी चाहिए। उदाहरणों के विस्तार से बचना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय अपने विचारों को क्रम से लिखना चाहिए। तो आइए आज हम हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में अनुच्छेद लिखते हैं। हमारे देश में अनेक पशु पक्षी पाए जाते हैं। मोर पक्षी जगत का एक विशेष जीव है। मोर अन्य पक्षियों से सुंदर होता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर का शरीर भारी होता है और गर्दन लंबी होती है। इसके पंख बहुत लंबे और सुंदर होते हैं। मोर के सिर पर एक कलगी होती है। वर्षा ऋतु में यह खुश होकर नाचने लगता है। सांप से इसकी दुश्मनी होती है। उसे देखते ही यह उस पर झपट पड़ता है। मोर एक उपयोगी पक्षी है। इसकी सुंदरता सबको आकर्षित करती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके अनुच्छेद लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार हम एक और अनुच्छेद लिखते हैं। तो तैयार हैं आप सब? आज का हमारा गृह कार्य मेरा प्रिय मित्र विषय पर अनुच्छेद लिखिए। संकेत बिंदु हैं नाम एवं शिक्षा, अच्छा स्वभाव एवं आदतें, सैर पर जाना एवं खेलना, समय का पाबंद। ओके बच्चों, फिर हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।